शामली में वृद्धा व विधवा पेंशन 3,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। शामली वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति द्वारा वृद्ध एवं विधवा पेंशन की राशि 3,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रही। समिति ने कहा, यदि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की गई तो लगभग 20% बुजुर्गों के चुनाव में हिस्सेदारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आपको बता दें, वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति द्वारा गुरुवार को वृद्ध एवं विधवा पेंशन की राशि 3,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग को लेकर सुभाष चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रही। समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र विश्वकर्मा ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार में वृद्ध एवं विधवा पेंशन की राशि बहुत कम है, जिससे एक व्यक्ति का केवल चाय का खर्च ही पूरा नहीं हो पाता, जबकि इस अव्यवस्था में दवा आदि भी खर्च होता रहता है। उन्होंने कहा, पड़ोसी राज्यों हरियाणा आदि में उत्तर प्रदेश से अधिक 2,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलती है। उत्तर प्रदेश में पेंशन बनवाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अन्य राज्यों में पेंशन बनवाना सुलभ है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को कष्टदायक जीवन को देखते हुए वृद्ध एवं विधवा पेंशन की राशि 3,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की, ताकि वृद्धों का जीवन सरल हो सके और परिवार का अनदेखी न झेलनी पड़े। मैं रमेश विश्वकर्मा वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या ये धरना हमारा जो है पिछले 5 सालों से हमारी मांग है सरकार से कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पर कम से कम 3,000 रुपये करें। 500 रुपये पेंशन में एक चाय का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता, खाली दूध भी यदि मंगावे तो वो भी 20 रुपये रोज का, यानी कि 600 रुपये महीना का बैठता है। चाय पत्ती के लिए उसे पड़ोसियों के यहाँ जाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि वृद्धजनों का, विधवाओं का जीवन स्तर ठीक हो, उनकी मांग पूरी हो, कम से कम 3,000 रुपये पेंशन उनकी हो। इसी मांग को लेकर के हमारा ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का कार्यक्रम कल 1 तारीख से चल रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।